नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 के और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के, तो जहां पर a प्लस बी शून्य से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है tan a प्लस बी बराबर है √3 के। तो बच्चों देखिए, जब हम टेबल देखते हैं, टेबल में टैन देखिए √3 कब है, टैन 0 है, 1/√3 है, 1 है, √3 है, तो √3 कब होता है 60 डिग्री पर, यानी टैन 60 होता है √3। बच्चों समझ आ रहा है, देखिए यह है टैन 60 है √3 के बराबर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह है कि tan a प्लस बी बराबर √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 √3 के बराबर होता है। तो इससे क्या होगा, यदि tan a प्लस बी tan 60 के बराबर है तो a प्लस बी किसके बराबर हुआ, a प्लस बी बराबर हुआ 60 के। ठीक है बच्चों, tan a प्लस बी tan 60 के बराबर है, इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इसी प्रकार से हमें दूसरी कंडीशन दी गई है tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। तो देखिए इसे हम एक अलग रंग से लिखते हैं ताकि आपको दोनों में अंतर समझ आए। tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। एक बार पुनः हम टेबल देखते हैं। देखिए tan देखना है 1/√3 कब होता है, तो देखिए tan की लाइन में 1/√3 कब है, 30 डिग्री पर है 1/√3 tan। ठीक है, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इसका मतलब tan a माइनस बी, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड को ऐसे लिखा, राइट साइड पर 1/√3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 ही 1/√3 के बराबर होता है। अब tan a माइनस बी tan 30 के बराबर है, तो a माइनस बी किसके बराबर हुआ, a माइनस बी किसके बराबर हुआ, 30 के बराबर हुआ। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमने दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़ा था, दो इक्वेशन हैं, इन्हें आपस में हल करना है। तो हमने विलोपन विधि भी की थी और भी प्रतिस्थापन विधि भी की थी, उनमें से किसी भी एक विधि से हम इन दोनों को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, ये दो इक्वेशंस हैं। इन्हें यदि आपस में प्लस ही कर दिया जाए तो 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 बराबर, प्लस b माइनस बी आपस में कट जाएगा, a प्लस a आपस में बन जाएगा 2a। ठीक है बच्चों, यहां से a कितना आ गया 90, ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, 60 डिग्री 30 डिग्री, a आ गया 90 डिग्री, 2a के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग। तो जब 2 को 90 से भाग करेंगे, सॉरी 90 को 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 45। इसका मतलब है a बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब a बराबर 45 डिग्री को हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। इन इक्वेशन 1 a की जगह लिख दो 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहां से b कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री, 45 डिग्री b के साथ प्लस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा
माइनस, तो बी आ गया 60 में से 45 माइनस कर दो यानी कि 15 डिग्री। तो बच्चों ये हमने ए और बी का मान ज्ञात कर दिया है, ए आया है 45 डिग्री और बी आया है 15 डिग्री। हमसे यही पूछा गया था यदि टेन ए प्लस बी रूट तीन के बराबर है और टेन ए माइनस बी एक बटा रूट तीन के बराबर है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया है बच्चों, देखिए टेन ए प्लस बी था रूट तीन के बराबर, रूट तीन होता है टेन 60, तो टेन ए प्लस बी यदि टेन 60 के बराबर है तो ए प्लस बी आ गया 60 के बराबर। इसी प्रकार से टेन ए माइनस बी एक बटा रूट तीन के बराबर है जो कि टेन 30 के बराबर होता है, तो टेन ए माइनस बी टेन 30 के बराबर है तो a माइनस बी किसके बराबर हुआ 30 के बराबर। इसको ले लिया इक्वेशन दो, इनको हमने विलोपन विधि से हल करा तो हमारे पास a का मान आ गया 45 डिग्री। इस मान को हमने इक्वेशन वन में रखा तो हमें b का मान प्राप्त हुआ और हमारा उत्तर हमें प्राप्त हुआ है a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी वीडियोस को समझ सकते हैं और उन प्रश्नों को अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।